कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या? देखो, अगर इससे ज्यादा कुछ ऐसा होता कि बिजनेस वन में 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है पर बिजनेस टू में मुझे 15 लाख का लॉस हुआ है, अगर 15 लाख का मुझे लॉस हो गया तो नेट मेरा जो 5 लाख का प्रॉफिट है उसकी जगह पर क्या आ रहा होता, 5 लाख का लॉस आ रहा होता। मतलब इस साल तो मैं सेट ऑफ करने के बाद भी 5 लाख रुपए लॉस में हूं। अब मान लेते हैं ईयर टू स्टार्ट हुआ एंड ईयर टू के अंदर बिजनेस वन बिजनेस टू वापिस आया, इस बार दोनों जगह मेरे को 3-3 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बराबर यहां भी 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ, इधर भी मेरे को 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल गवर्नमेंट आएगी और बोलेगी अरे वाह 6 लाख रुपए आपने कमाए, 6 लाख रुपए के ऊपर आप क्या दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए। तब मैं उनको याद दिलाऊंगा रुको गवर्नमेंट, लास्ट टाइम मेरा 5 लाख का लॉस है जिसका हिसाब अभी भी मुझे करना बाकी है, तो वो 5 लाख रुपीज में माइनस करूंगा एंड जो नेट मेरे पास कितना बचा, नेट जो मेरे पास 1 लाख रुपीज बचा है इसके ऊपर में टैक्स भरूंगा। सो दिस इज ऑल्सो अलाउड, दैट मीन्स अगर किसी साल अगर मेरे लॉसेस, अगर किसी साल मेरे प्रॉफिट्स इनफ नहीं है टू अब्सॉर्ब माई लॉसेस, देन आई कैन कैरी फॉरवर्ड माई लॉसेस टू द नेक्स्ट ईयर। कितने साल तक लेकर जा सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे जब हम ये चैप्टर करेंगे, बट फॉर नाउ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इज दिस, दैट सेट ऑफ मीन्स इन द सेम ईयर आई कैन रिड्यूस माई लॉसेज फ्रॉम प्लेसेज आई हैव अर्न्ड प्रॉफिट्स एंड इन द नेक्स्ट ईयर्स इफ एट ऑल आई हैव अनअब्सॉर्ब्ड लॉसेज आई कैन स्टिल कैरी फॉरवर्ड देम एंड यूज देम एज टू रिड्यूस माई प्रॉफिट इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लुकिंग इन टू ग्रॉस टोटल इनकम।